फिज़िक्स किसी के लिए फेवरेट तो किसी का सर का दर्द, लेकिन एग्ज़ाम देकर बाहर निकले तो अक्सर का यही क्वेरी है कि सर क्वेश्चन छूट गया, किसी का शॉर्ट क्वेश्चन छूट गया तो किसी का लॉन्ग क्वेश्चन छूट गया, तो ऐसे में फुल मार्क्स कैसे आएंगे। तो आज हम लोग देखेंगे कि हाउ वी राइट द आंसर्स दैट वी गेट मैक्सिमम। ठीक है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी फर्स्ट जो समझना है वो क्या है, वह है डिफरेंशिएट स्टडी एंड एग्ज़ाम, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले ये समझना है ना कि हम जब पढ़ रहे थे, एक साल हमने पढ़ा है तो हमारी स्टडी में, और अब हम जब के एग्ज़ाम देंगे तो हमारे एग्ज़ाम में फ़र्क क्या है। तो देखिए जब आप स्टडी करते हैं तो आप ब्रीफ़ में करते हैं, बिल्कुल उसके बारे में आप डिटेल में पढ़ते हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक है, तो उससे अगर रिलेटेड डेफिनेशन है तो आप उसका डेफिनेशन पढ़ते हो, ठीक है, अगर उसका फिगर है यानी उसका कंस्ट्रक्शन है तो आप फिगर ड्रॉ करते हो, ठीक है, उसका अगर वर्किंग है तो आप उसकी वर्किंग लिखते हो, किस प्रिंसिपल पे वो काम करता है आप उसको लिखते हो, ठीक है, फॉर्मूला क्या तैयार करता है आप उसको लिखते हो, ठीक है, और उसका यूज़ ये क्या है आप उसको लिखते हो, ठीक है, वन बाय वन आपका सारा कुछ इसमें रहता है, ठीक है। लेकिन जब आप एग्ज़ाम देते हैं ना, तो अब एग्ज़ाम जो है दिस इज़ द एग्ज़ामिनेशन, ये एग्ज़ामिनेशन है, ये अब आपकी जांच है, ठीक है, तो एग्ज़ाम में ये जो पूरा आपने पढ़ रखा है ना, तो यही जा करके नहीं लिख देना मेरे भाई। बहुत सारे बच्चों की आदत है कि क्वेश्चन देखा, अरे हाँ ये तो पढ़ा हुआ है, अब जो नोट कॉपी में उन्होंने लिखा था शुरू से लेकर आखिर तक वो छाप देते हैं, ठीक है। मैं आपको बताऊं कि हम लोग क्या देखते हैं कि तीन तरह का हमारा क्वेश्चन होता है, ठीक है, अगर आप देखें तो एक होता है जैसे मैं आपको बात करूँ वेरी शॉर्ट, ठीक है, दूसरा होता है शॉर्ट, और तीसरा होता है लॉन्ग, तीन तरह के क्वेश्चन होते हैं, राइट, क्लियर। अच्छा अब आप देखें, मैं आज आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, कॉपी चेक करने के टाइम में ना जो दर्द होता है कि बच्चों को ये गलती नहीं करनी चाहिए, आज मैं वो आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो देखें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में क्या गलती करते हैं, जैसे एक बार क्वेश्चन आया था ना, ठीक है, मैंने देखा कि भाई आपसे पूछा था कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ठीक है, आप लोग जानते हो न्यू नॉट को बोलते हैं, है ना, दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटालिक सर्फेस। अब देखिए इतना ही लिखना था, चूँकि जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होता है वन मार्क का, तो उसको आपको मोस्टली जो है एक लाइन में लिखना होता है, डेफिनेशन को कंप्लीट करना होता है, कोई ग्राफ अगर पूछा है तो सिर्फ ग्राफ बनाना होता है, कोई अगर फिगर आपसे ड्रॉ करने के लिए बोला है तो सिर्फ फिगर ड्रॉ करना होता है, कोई टेबल आपसे पूछा है, किसी का ट्रुथ टेबल ही पूछ दिया है तो वो सिर्फ टेबल आपको बनाना होता है, मतलब बिल्कुल आपको वन लाइन में काम करना होता है। तो मैं बात कर रहा था कि एग्ज़ाम, याद रखिए स्टडी आप सब कुछ करते हैं लेकिन जो एग्ज़ाम आप देते हैं ना, तो एग्ज़ाम आप देते हैं A/Q, याद रखिए इसको A/Q, ये आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, लेकिन आज मैं इसको जब बताने वाला हूँ इसमें जो तीन चीज़ें हैं उन तीनों चीज़ पर आपको फोकस करना है, ठीक है। नंबर वन क्या होगा, इसका मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, इसको हम लोग और अच्छे से लिखें तो ये हम लिखेंगे आंसर इन क्यू, ठीक है, आंसर इन क्यू। अच्छा फिर और एक लिखेंगे हम लोग क्या, आंसर क्विकली। तो ये तीनों फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है, A/Q का तीनों, इसका मतलब हो गया जनरली जो मतलब होता है वो होता है आंसर टू क्वेश्चन, ठीक है, बट आज जो फोकस करना है वो करना है आंसर इन क्यू पे और आंसर क्विकली पे, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और इन्हीं दोनों चीज़ों के वजह से आप पीछे पड़ते हो या आपको किसी नम क्वेश्चन में फुल मार्क्स नहीं मिलता। मतलब देखिए आपको क्वेश्चन को वर्ड टू वर्ड पढ़ना है और उसका आंसर भी वर्ड टू वर्ड लिखना है, यानी अगर आपसे क्वेश्चन किया गया है कि क्या कीजिए, सपोज कीजिए कि आपसे क्वेश्चन किया गया है, कैसा क्वेश्चन है मैं यहाँ पर लिखता हूँ, आपसे क्वेश्चन किया गया कि डिफाइन कीजिए, ठीक है, किसी भी चीज़ को डिफाइन कीजिए, लाइक दैट जो है रेजिस्टिविटी को डिफाइन कीजिए, ठीक है, एंड राइट इट्स फॉर्मूला, और इसका फॉर्मूला लिखिए,
ठीक है। तो अब आप देखिए, आपने इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ रखा है, लेकिन अब आपको क्या करना है, सिर्फ डेफिनेशन उसका लिखना है, ठीक है, और सिर्फ उसका फॉर्मूला लिखना है। यानी पूरा नोट कॉपी आपको नहीं छापना मेरे दोस्त, ठीक है। आपने पूरा पढ़ रखा है ज़रूर, लेकिन आज आपका एग्ज़ाम है, ये मस्त दिन होता है, ठीक है, बाहर वाला दिन होता है, आपके माइंड का को इस दिन खूब मज़ा आता है। क्यों? आपने जो पढ़ रखा है ना, आपने तो पूरा मतलब कि नदी का चक्कर लगा करके आप आए हुए हैं, लेकिन आपसे जो जो चीज़ें पूछी जाएंगी वही आपसे आपको बताना है, ठीक है। अब बिल्कुल देखिए, ये एब्सर्ड सा चीज़ है, ये जो गलती करते हैं कि क्वेश्चन कुछ है और पूरा उससे रिलेटेड लिख देते हैं, तो फिर दूसरे क्वेश्चन के लिए कहाँ से टाइम बचेगा, ठीक है। आपसे कोई आपका नाम पूछे और आप बोले हो कि माई नेम इज़ दिस एंड आई बिलोंग टू दैट एंड आई डू दिस, तो ये अजीब लगेगा कि आपको सिर्फ नाम पूछा गया था, ठीक है, आपसे पूरा बायोडाटा नहीं लिया गया। तो अब देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन को देखना है और आपको उसका आंसर भी वर्ड टू वर्ड देना है। मतलब डेफिनेशन पूछा गया, सिर्फ डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है, उसका फॉर्मूला पूछा गया है, सिर्फ फॉर्मूला लिखेंगे बस। याद रखिए कि ये अगर आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर आपको डेफिनेशन में मिल गया और 1 नंबर आपको फॉर्मूला में मिल गया, आपको 3 में 3 मिल गया, ठीक है। लेकिन अब देखो, ऐसा जो कुछ होते हैं ना, आत्मा परमात्मा जैसे बच्चे होते हैं, मैं उनको आत्मा परमात्मा बोलता हूँ, कहाँ भटक रहे होते हैं पता नहीं चलता है, ठीक है। पूछा गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है और वो पूरा वहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये होता है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पूरा आइंस्टीन का इक्वेशन लिखने के बाद लास्ट में जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उन्होंने अपने नोट कॉपी में लिखा था ना, वही ला करके लिखते हैं। अब भाई आपने तो इतने में ही 15 मिनट लिए और इस 15 मिनट में आपको वो इतना लंबा देख करके रहम खा करके 1 नंबर तो आपको दे देगा कि 1 नंबर का क्वेश्चन है, बाकी का वो क्या करेगा, अचार थोड़ी लगाएगा मेरे भाई। तो देखिए, जितना क्वेश्चन है उतना ही आंसर। अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चन में भी जो मैंने देखा, एक बार पूछा गया था कि इंपीडेंस क्या है, ठीक है, व्हाट इज इंपीडेंस एंड राइट इट्स यूनिट। अब आपने इम्पीडेंस के बारे में सब कुछ पढ़ रखा है, फिगर में आपने ग्राफ भी बनाया है, डेफिनेशन भी पढ़ा है, ठीक है, इम्पीडेंस का वर्क क्या है आपने ये भी पढ़ रखा है, ठीक है, फिर इसका फॉर्मूला क्या होता है ये भी आपने पढ़ रखा है, आपने हो सकता है इसका यूज़ भी पढ़ा होगा इम्पीडेंस का, ठीक है, और फिर इसकी यूनिट भी पढ़ी होगी। तो अब लेकिन आपसे सब नहीं पूछा गया, तो इसमें भी लोग क्या गलती करते हैं इम्पीडेंस वाले में, मैंने एक बार कॉपी में देखा कि वो तो शुरू हुए तो रुकने का नाम नहीं लिया, वो चले गए रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी तक, जा करके रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी तक वो पहुंच गए शुरू किया। तो भाई देखिए, रहम आता है ना बच्चों पे, रहम आता है, बच्चे क्या बहुत मेहनत से पढ़ते हैं, रहम खा के हम लोगों ने दे दिया, हाँ भाई ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन था, 3 उसको मिल गया, ठीक है, और इस लिखने के क्रम में उनका यूनिट भी छूट जाता है, ठीक है। आपने हो सकता है नोट में नहीं पढ़ा हो यूनिट, लेकिन आपसे यूनिट पूछ दिया गया है। और इम्पीडेंस का यूनिट क्या होगा, सिंपली ओम होगा, आप जानते हैं एक तरह का रेजिस्टेंस है ये, ठीक है। तो अब आप देखें कि ये आप नहीं जानते थे, अगर थोड़ा सा अगर आपका दिमाग कूल रहता, अगर आप फ्रेश माइंड से रहते, इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि एग्ज़ाम के दिन जो मैंने आपको और भी ट्रिक्स दिए हैं, देखिए रातों रात आप बहुत अच्छे एक्सपर्ट नहीं बन जाएंगे, मैंने बहुत सारे वीडियोस में लेक्चर दिया है, आप उसको देखिएगा, आपको हेल्प मिलेगा कि आपको एग्ज़ाम के दिन खास करके स्पेशली, ठीक है, मैंने आपको बोला है नो मोर रेसिटेशन, नो मोर रिव्यूज़, ठीक है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जो आपने पढ़ा हुआ है ना उनको रिवाइज करके रात में सो जाइए और सुबह बिल्कुल अपने माइंड को कूल रहने दीजिए, कूल पॉजिटिव कॉन्फिडेंट, माइंड आपका किंग है, ये आपको उस दिन एकदम बिल्कुल तरीके से लेके चलेगा कि भाई जो जो क्वेश्चन है उसी उसी का आंसर देना है और डेफिनेटली आपको आता है, थोड़ा सा धैर्य रखो और लिखते चले जाओ इत्मीनान से। याद रखिए कि जो आपको टाइम दिया जाता है ना 1 एंड 30 मिनट का, इस बार टाइम दिया जा रहा है 1.5 घंटे का, सफिशियंट टाइम है ये, ठीक है, आप इसमें चाहो तो क्वेश्चन लिख करके और फिर इत्मीनान से आप उसको एक बार देख भी सकते हो कि मैंने क्या लिखा नहीं लिखा, ठीक है। तो हम लोगों ने ऐसा किया है, ओके। तो आप देखें, इन तीनों बातों पे अमल करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वर्ड टू वर्ड जो क्वेश्चन है सिर्फ उसी का आंसर, इधर उधर नहीं भटकना है, ठीक है, क्या पढ़ रखा है उस दिन उसका हमको कुछ नहीं करना, आज एग्ज़ाम का दिन है, मज़े लीजिए, ठीक है, मज़ा इसलिए लीजिए कि उतना उतना नहीं लिखना है मेरे भाई, जितना पूछा उतना ही लिखना है, ठीक है। फिर आंसर इन क्यू, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आंसर इन क्यू, ठीक है, क्यों इम्पोर्ट, देखिए आंसर इन क्यू का मतलब क्या है, कतार में आंसर,
कतार में, पंक्ति में, ठीक है। पंक्ति का क्या मतलब हो गया? ऐसा नहीं कि सबसे पहले आप वेरी शॉर्ट बनाओ फिर शॉर्ट बनाओ, ये नहीं। कतार में मतलब ये है, ठीक है। मैंने देखा एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, क्या क्वेश्चन था, ठीक है, तो आपसे पूछा गया था कि बताइए कोहेरेंट सोर्स क्या होता है, लॉन्ग क्वेश्चन में कोहेरेंट सोर्स पूछा गया था, ठीक है। कोहेरेंट सोर्स के लिए क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड है, सो पूछा गया था। और आखिरी में आपसे पूछा गया था कि फ्रिंज विड्थ का जो एक्सप्रेशन है वो निकालिए, यंग्स डबल स्लिट में आपने पढ़ा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये वन मार्क का था, ये भी वन मार्क का, और ये आपका थ्री मार्क का, ठीक है। तो मैंने क्या देखा कि बच्चे तो आत्मा महात्मा वाला काम करते हैं, कहाँ घूम रहे होते हैं अपने स्टडी नोटबुक में, ठीक है। उन्होंने शुरू किया, भैया कोहेरेंट सोर्स तो उनका गया, ठीक है, कंडीशन भी उनको गया, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पूरा उन्होंने लिख दिया, ये लंबा चौड़ा पूरा जिसका जो पिक्चर जो पैटर्न जो बनता है फ्रिंजेस का सारा उसने बनाया, कितना मेहनत का काम किया उसने, ठीक है। और फिर जाके फ्रिंज विड्थ भी निकाल दिया। तो अब देखिए इसमें क्या हुआ, ये दोनों क्वेश्चन तो गया, ठीक है। अब तीन नंबर में कितना नंबर उसको दे सकते हैं, इतना ही दे पाएंगे, उससे ज़्यादा आपको थोड़ी देगा। याद रखिए मैंने आपको बताया है अपने लेक्चर्स में, आपको इसका फ़ायदा होता है कब, जब आप सारे क्वेश्चन अच्छे से करते हैं, एक दो क्वेश्चन आपका ख़राब होता है और आप उसको मिला मिला करके लिखते हैं ना, तो आपका जो एग्जामिनर है, जो कॉपी चेक करने वाला है, वो आपसे इम्प्रेस्ड हो चुका होता है कि वाओ व्हाट ए बॉय और गर्ल, ठीक है, क्या बच्चा है, कितना अच्छा बच्चा है। तो वो इम्प्रेस्ड हो चुका होता है, तो वो नंबर देने के लिए फिर जगह ढूंढ रहा होता है, तो लास्टली वो कुछ एक्स्ट्रा आपका लिखा है उसमें भी नंबर दे करके आपको ट्राई करता है कि भाई इसका मैक्सिमम आ जाए। हर कॉपी चेक करने वाले हम टीचर्स यही कोशिश करते हैं कि आपका नंबर मैक्सिमम आए, ठीक है। बट देखिए अब ये कोई तरीका तो नहीं हुआ ना कि आपने कोहेरेंट सोर्स भी नहीं लिखा है आपने, ठीक है, फिर आपने उसका कंडीशन जो रिक्वायर्ड था वो भी नहीं लिखा, और आप फ्रिंज विड्थ सिर्फ निकाले हो वो भी इतना डिटेल में पूरा फिगर वगैरह बना करके। तो इम्पॉर्टेंट है आंसर इन क्यू, पंक्ति में लिखिए, मतलब पहले आपसे कोहेरेंट सोर्स पूछा था और आपको डेफिनेटली याद होता है, कोहेरेंट सोर्स का डेफिनेशन लिखिए कि किन दो सोर्सेस को कोहेरेंट कहते हैं। फिर पंक्ति में दूसरा पंक्ति का क्वेश्चन क्या आ रहा है, कंडीशन पूछा गया है आपको, तो फिर उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके आराम से, ठीक है, ये नहीं कि कोहेरेंट सोर्स के आंसर में ही मिल जाए, बल्कि आपने इसका आंसर लिख लिया कोहेरेंट सोर्स का, ठीक है, कोहेरेंट सोर्स का आपने जो है आंसर लिख लिया। अब उसके बाद आप गैप करो, ठीक है, और यहाँ पर आप हेडिंग बनाओ कंडीशंस, कंडीशंस फॉर कोहेरेंट सोर्स, फिर इसको आप लिखो मोहब्बत से, एकदम इत्मीनान से लिखो, कुछ हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद जा करके आप फिर नीचे में एक हेडिंग बनाओ एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ, ठीक है, फॉर फ्रिंज विड्थ, और फिर जा करके आप यहाँ पे फ्रिंज विड्थ को लिखना। फ्रिंज विड्थ के लिए आपको पता है कि यहाँ पे अब पूरा पैटर्न वाले फिगर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो जो सिर्फ एक छोटा सा फिगर बनता है जिसमें स्क्रीन का डिस्टेंस और हम लोग जो है दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस को लेकर के बनाते हैं, ओवरलैपिंग वाला जो फिगर है सिर्फ उसको बना करके, आई होप आप लोगों ने किया होगा, अभी मेरा वो बताने का पर्पस नहीं है वरना मेरा वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो आंसर इन क्यू, आंसर को क्या कीजिए, क्यू में लिखिए, लगातार लिखिए, ठीक है। और तीसरा जो ट्रिक है वो क्या है, वो है आंसर क्विकली, जल्दी आंसर दीजिए। जल्दी का मतलब ये नहीं कि हड़बड़ा करके पेन ही तोड़ दिए और कॉपी ही फट गया, ऐसा नहीं, ये गलती सलती लिख दिए, ऐसा नहीं। आंसर क्विकली का मतलब ये होता है कि कम टू द पॉइंट, जल्दी से अपने पॉइंट पे आइए। आपसे किसी ने पूछा है कि भाई आप कहाँ रहते हो, तो आप तो इधर उधर की बातें नहीं करोगे ना, तुरंत आओगे, हाँ मैं यहाँ रहता हूँ। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा गया है कि जैसे मान लीजिए किसी का आपने आपसे डेफिनेशन पूछा है, ठीक है, और डेफिनेशन से पहले अगर आपने उसका इंट्रो पढ़ रखा है, तो अब वहाँ पर तो ये अननेसेसरी है ना कि हम वहाँ पर इंट्रो लिखेंगे, बल्कि हम क्विकली डायरेक्ट डेफिनेशन पर जाएंगे, ठीक है, क्विकली। उसके बाद जो डिमांडिंग क्वेश्चन है, ठीक है, इम्पीडेंस है तो इम्पीडेंस का डेफिनेशन लिख दिया, ठीक है, फॉर्मूला भी लिख दीजिए, बेटर है। और फिर उसका जो यूनिट उसका होता है, तो क्विक फॉर्म में आंसर देना है, मतलब कि ऐसा नहीं करना कि भाई एग्जामिनर वो ढूंढता रहे कि ढूंढो भाई कॉपी के बीच में कहाँ कहाँ इसका जो है वो क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर है, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर इसने कहाँ कहाँ पर लिख रखा है, ये ढूंढना ना पड़े। तो इम्प्रेस करने का कोशिश कीजिए, एग्जामिनर को इम्प्रेस कीजिए। मेरे इन तीन लॉजिक्स को याद रखिए कि आपको कोई भी क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना है। अगर
क्वेश्चन आपसे एक से ज़्यादा डिमांडिंग है तो उसको आपको आंसर इन क्यू यानी आपको पंक्ति में उसको करना है, और आपको आंसर देने में जो राइटिंग स्किल है उसमें क्विक फॉर्म को अप्लाई करना है, यानी जो पूछा गया है उस पॉइंट पे आपको जल्दी से आना है, ठीक है। तो देखिए ये जो ए ऑब्लिक क्यू है ये आपका कहलाता है आंसर स्किल, ठीक है। आप फिजिक्स हो या कोई और भी आप टॉप पेपर की बात करें, आंसर स्किल ही आपका एग्जामिनेशन का मेन सेंटर है। आप कह सकते हैं कि एग्जाम के दिन का, ठीक है, जो मेन ग्लो है ना वो क्या है, वो है आंसर स्किल, ठीक है। वो ये आपका कॉन्फिडेंस दिखलाता है, ठीक है। आप अपने आप को कॉपी में छाप रहे होते हो, ठीक है, और जब आपकी छाप से आपका एग्जामिनर इंप्रेस हो जाता है ना तो आपको मैक्सिमम मिलता है, आपका एक क्वेश्चन नहीं छूटता है, ठीक है। तो देखिए अननेसेसरी लिखने से बचिए, याद रखिए वही आपका टाइम को कंज्यूम करता है और इसी वजह से आप एग्ज़ाम में पीछे पड़ते हो, आपका क्वेश्चन छूट जाता है, ठीक है। इस पर कोई मैटर नहीं करता कि आप पहले लॉन्ग बना रहे हैं, वेरी शॉर्ट बना रहे हैं या शॉर्ट बना रहे हैं, जो क्वेश्चन आपको अच्छा लगता है, ठीक है। लेकिन मेरा सजेशन है कि अगर आपने वेरी शॉर्ट अगर स्टार्ट किया है या आपने पहले शॉर्ट स्टार्ट किया है तो शॉर्ट को कम्प्लीट कर लीजिए। ऐसा नहीं कि पहले एक शॉर्ट क्वेश्चन कीजिए फिर बीच में एक लॉन्ग कर लीजिए फिर वेरी शॉर्ट कर लीजिए, तो ज़्यादा नहीं, ठीक है। इससे कॉन्फिडेंस नहीं दिखता है आपका, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस को शो करने के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, ठीक है, आप कोई भी एक सेक्शन को चूज कर लो, ठीक है। अगर आपको पहले लॉन्ग करना है तो आप लॉन्ग को चूज कर लो और लॉन्ग के जो 3 क्वेश्चंस आपको करने हैं इस बार वो करके आप निकलिए, ठीक है। आप मेरे इन फॉर्मूला को फॉलो कीजिए, ठीक है। और इस बार तो मॉडल सेट्स से क्वेश्चन आने वाले हैं जैसा मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। चूँकि पैंडेमिक की वजह से आपको ये सहूलियत दी गई है कि आपने भाई जो पढ़ रखा है उसी से आपका काम हो जाए, ठीक है। तो मॉडल सेट्स मैंने डेफिनेटली 5 के 5 मॉडल सेट्स मैंने आपको करा दिए हैं, ठीक है। और गारंटीड अगर आप इसको अच्छे से करते हो, थोड़ा आपने मेहनत किया है और जैसा मैंने लिखा है उस तरीके से अगर आप नोटबुक में अरेंज किए हैं पढ़े हैं तो आपका 100% मार्क्स आने वाला है। दैट मीन्स चाहे टर्म 1 हो या टर्म 2 आपको 35+35 यानी 70 से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। और स्कूल तो आपको अच्छे नंबर देते ही हैं अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो, ठीक है। अगर आपके अटेंडेंस अच्छे हैं तो इस तरीके से आपका फुल मार्क्स आएगा, ठीक है। तो ये जो शिकायत है ना कि क्वेश्चन छूट गया सर नहीं होगा, आप इन बातों को फॉलो करें, ठीक है। मैं कंक्लूड करता हूँ। सबसे पहले आप डिफ्रेंशिएट करें अपने आप को, ठीक है। जो पढ़ रहे हैं ना पढ़ते रहें मोहब्बत से, लेकिन उस पढ़ाई को लेकर के उस बोझ को लेकर के एग्जाम में कभी भी उसको पेस्ट करने का कोशिश मत कीजिए। एग्जाम में बिल्कुल फ्री रहिए, बिंदास, ठीक है। मेरी इस बात को फॉलो कीजिए, जितना खुश रहेंगे जितना आपका माइंड हेल्दी रहेगा ना आप देखेंगे कि आप इस फॉर्मेट पे काम करेंगे, वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन का आंसर, आंसर इन क्यू एंड आंसर क्विकली, ठीक है। और जब इस फॉर्म में आपका क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, जो डिमांड किया है, ठीक है, जो आपने पढ़ रखा है वो सारा ठीक है, बहुत अच्छा, आपके नॉलेज में आ गया वो, ठीक है, आपने उसको नॉलेज के लिए ऐड कर लिया, लेकिन अब एग्ज़ाम के दिन का मज़ा लीजिए, ठीक है। इस तरीके से आप करेंगे तो मुझको पूरा उम्मीद है कि आपका फुल मार्क्स आएगा, ठीक है। और विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम, ठीक है। अच्छा लगा तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, और बहुत से बच्चे अभी भी बगैर सब्सक्राइब किए देखते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, काफ़ी इसमें अच्छा कंटेंट है। थैंक यू।